ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالي في موضع آخر يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللقدة من لساني يبقه قولي اللهم آت نفسي تقواها

अल्लाबाकल महमद वाल महमद कमारक तला उब्राहिम्राहिमीद मजीद हाज़रीन जुम्ह मौजू आज का या जुमा में जो बयान करना है उसका है शिर्क के चोर दरवाज़े इसी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक वत ने अम्बिया कराम को भेजा कौम बैश एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया कर तोद को फैलाने और शिरक को मिटाने के लिए आए शिरक क्या है हम लोग सुनते हैं लेकिन शिक से पहले दो चार लफ्ज़ों में तो का जानना बहुत ज़रूरी है वैसे अलहमदिल्ला हम सब तो के मानने वाले हैं और तोद अगर पूछा जाए तो यही जवाब देंगे कि अल्लाह तबारक वताल को एक जानना लेकिन मुकम्मल जवाब अल्लाह तबारक व को हर चीज़ में एक जानना उसकी ज़ात में उसकी सिफात में उसके अफ़ाल में तमाम चीज़ों में अल्लाह को एक जानना ये तो है तो इस्लाम की बुनियाद है तो इस्लाम की रूह है तोहद ही अल है और ही आखिर है तोहद इस्लाम का पौधा है तोद ही कलम में तयबा है ही जिसके लिए अल्लाह के अल्लाह तबारक व ताली ने फरमाया वालकदासनाफीकम्बत रसूला अन इबूदुल्ल वसनबाकूत हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजे जिन्होंने कहा अल्लाह की बात करो और अल्लाह तबारक व ताल जितने भी कुछ हैं मबूस जिन लोगों ने बना रखा है को छोड़ दो वज ताबूत, यही इस्लाम यही तोद है जो जन्नत की ज़मानत देती है यही तोहद है जो जहन्नम से बचाने वाली है और यही तोहहीद है जब कब्र में आप जाएंगे हम जाएंगे जो भी मुसलमान नहीं जो भी जाता है इंसान इसी के ताल्लुक से सवाल होता है सबसे पहला जो सवाल होता है यही है जो जहन्नम से बचाने वाली है और यही तोहीत सब कुछ है अगर तोहैद नहीं है तो फिर बेकार है सब कुछ है बेकार है रोज़ा है नमाज है हज है ज़िक़़ है सदका खैरत है सिला रहमी है गमखारी है सब कुछ है अगर तोहैद नहीं है तो भी बेकार है तोहैद है आमाल कुछ कम किए हैं कोताहिया हुई है तो रबालमीन आज नहीं कल जन्नत में हमको और आपको भेज देगा लेकिन अगर तौहीद तो नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व के ताल कोई गुंजाइश नहीं है आप बड़े बड़े काम किए हों बड़े आमाल किए हों बड़े सुनहरे हों सब कुछ किया हो लेकिन अगर तौहीद तो नहीं है तो फिर बेकार है और अल्लाह के नबी मोहम्मद और रसोल्ला सल्ला वसलम की हदीस من كان كلامه لا आखिर कलामिला الله دخل जन्ना जिस शख्स का आखरी क़लाम आखिरी कलम अल्लाह के आलावा कोई मबूद बरहक नहीं जिसका आखरी कलाम हो दखल अलजन्ना जन्नत में दाखिल होगा और तोहीद इतनी बड़ी है तोहीद इतनी ज़रूरी है और यही तोहीद है कि अगर आपके आमाल में कुछ कमी है आपने आमाल किया है लेकिन कमी है तो रब्बुलमी इसी तोद की बुनियाद पर आपको जन्नत में डालेगा साहब को याद दिलाऊँ कि अल्लाह तबारक वाली के सामने एक बंदा खड़ा है और देख रहा है कि गायें भी देखता है बाएँ भी देखता है सामने भी देख रहा है चारों तरफ गुनाहों का दफ्तर है यही नहीं बल्कि नाइनटी नाइन तिसाऊँ व तस्ना नाइनटी नाइन दफ्तर पूरा गुनाहों से भरा हुआ है अल्लाह तबारक वाली पूछता है बंदे ये बता क्या इसके लिखने में लिखने वालों ने कुछ गलतियाँ की हैं क्या ज़्यादा लिख तमाम के बारे में कहता है कि नहीं नहीं यकीन मैंने गलतियां की हैं अल्लाह तबारक वाला देखता है बंदा बिल्कुल मायूस है अब तो मफफरत के लिए बख्शिश के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो अल्लाह तबारक वाल कहता है बंदे मायूस न हो तू मायूस ना हो मेरे पास तेरी एक नेकी है तेरी एक नेकी है और अल्लाह तबारक उसे निकालता है छोटा सा बिताका निकालता है और कहता है कि ले जाए इसको आम आमन आमाल जहाँ तोले जा रहे हैं तराजू पर रख तो सोचता है तीसों तिसना नन्नबे दफ्तर गुनाहों के एक छोटा सा ये कागज़ की शक्ल में क्या होने वाला है वो देखता है तो अल्लाह आलमीन बड़े रहम करम से कहता है अरे बंदी जा तो पहले मायूस ना हो जा बंदा जाता है और हालत ये होती है कि जब तोला जाता है जिसमें उसको रखा जाता है वो भारी पड़ जाता है क्योंकि क्या लिखा होता है कलमिला इला मोहम्मद आए बंदे दुनिया से तू आया ठीक है आमाल कम किए थे गुनाहों का दफ्तर है लेकिन तू तो को लेकर के आया है आज क्या क्या आ जाता है कि जन्नत को ले उड़े हम जन्नत को ले उड़े हम नजरों ने आस में जन्नत को ले उड़े हम नजरों ने आस में वहाँ भी फँस के रह गया रोज़ा नमाज में वहाँ भी फंस के रह गया रोज़ा नमाज में ये कैसे हो सकता है तोहहीद लेकर के आया हूँ रब्बालमीन के सामने डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक वाली ये है तोहैद लेकर के आया हूँ अल्लाह तेरी तो मर रहा था तबी जी रहा था तब्य मुश्किल आए कि तोह लेकर के ले आया ये थी तोहद तो की किस्में है सब लंबी बात है तो जिस तरीके से तोहदुलत है रुबूबियत है तोहदमाफात है आइए देखते हैं इसके खिलाफ़ क्योंकि अम्बिया कराम तो को फैलाने के लिए अशिक को मिटाने के लिए कुफर कुफ्र को मिटाने के लिए आए मुश्किलात आए सब कुछ आए लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और वो टीम जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल्ला सल्ला व्ल्म ने अपनी तेईस साल जिंदगी में मक्का से लेकर के मदीना की सरजमीन पर जा जो इशात इस्लाम बना मरकज़ इस्लाम बना वहाँ पर जो तैयार किया कुर्बान जायु उस टीम पर क्या टीम थी कि अगर सीने पर पत्थर रखा गया तो के लिए शिरक को नहीं उन्होंने कबूल किया शिरक को गले नहीं लगाया शिरक को उन्होंने छोड़ दिया चटाई में लपेट के मारा गया कि उसी कि तो, तो पकड़ा शिक को छोड़ दिया और यही नहीं मारते मारते थक गए हैं कहा कि अभी ये मत सोचो को छोड़ता हूं, बल्कि ले लूं थोड़ा सोचता लू, और मारूंगा लुबा तेरी जिंदगी का क्या कहना और तेरी जात का क्या, क्या कहना जब कुर्बान जाओ तेरी जो, तेरी पर यकीन जब, जब, जब जो है उमर रजी तभी मुसलमान नहीं हुए कितने सख्त थे अल्लाह अकबर लुबैना को इस कदर मारते हैं इस कदर मार रहे हैं थक गए मारते मारते कितने बहादुर थे जब थक जाते हैं तो सोचताने लगते हैं लुबैना सोचती है शायद अब हमको फुर्सत मिल गई कहते हैं नहीं फुर्सत नहीं मिली है अभी फुर्सत तुमको अभी नहीं मिली है अभी और मारूंगा, या तो तुम शिक को कबूल कर लो और मोहम्मद के दीन को छोड़ दो यानी तो को तुम छोड़ दो कहती है कितना मारोगे और हुआ भी यही कि एक दिन ऐसा आया वो हार गए और हार के हालत ये हो गई कि अल्लाह आलमीन ने दौलत इस्लाम से नवाज दिया इसके बरखिलाफ़ तोहे के बरखिलाफ शिर्क है आज हमारे मुसलमान 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 भाई शिर्क को समझा ही नहीं शिर्क को क्या समझा है कि शिर्क वो है जो मूर्तियाँ पूजा की जाती है स्टेचू बनाया जा रहा हो जो लकड़ी की शक्ल में हो जो पत्थर की शक्ल में हो जो धात की शक्ल में हो जो किसी चीज़ से बनाया गया हो मूर्ति की शक्ल में हो और खुद तो खुद बल्कि अपनी आवाम के दिलों में इस कदर सिक्का जमा दिया है कि आवाम भी उसी को मानती है क्यों क्योंकि इब्लीस बड़ा खुश है और उनके दिलों में बैठा दिया है कि जो तुम्हारा बड़ा कह रहा है यही सही है यही सच है लेकिन आइए देखते हैं हम शिक्क़ के माने क्या होते हैं पार्टनर हिस्सेदार बनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कुरान के अंदर सूर्य फातिर चालीस में शिक्क इन लोगों ने इन लोगों ने पार्टनर बना रखा है क्या अल्लाह तबारक वाल के बनाए हुए आसमान के अंदर कोई शरीक है बिल्कुल नहीं है ना अल्लाह की रबूबियत में ना अल्लाह की उलूहियत में ना अल्लाह तबारक वाल में बिल्कुल नहीं है और मूसल सलातम का वाक़ा कि जी मूसा को अल्लाह रबी ने क्या फरमाया फरमायांबर सोलह सूरता

अगर उनके मिसाल से समझाया जाए कि भाई मान लीजिए एक दुकान आपकी है हैं मुलिस साहब चार बंडे लेकर के आए और दुकान पर कब्जा कर लिया तो क्या दुकान पर कब्जा करने दोगे अपनी पूरी ताकत लगा दो ये दुकान दोबारा तुम्हें मिल सकती है सब कुछ मिल सकता है तुमको ये छोटी सी दुकान छोड़ना गवारा नहीं है रब्बुलमीन तो ज़मीन व आसमान वो मुख्तारी कुल है कैसे वो कबूल करेगा कि तुम उसकी में उसकी सिफात में किसी भी एतबार से किसी को पार्टनर बनाओ और रिश्तेदार बनाओ और नौजवानों को समझाने के लिए माफ़ कीजिएगा बीवी आपकी है ख़र्चा आप देते हैं सब कुछ आप करते हैं लेकिन टहलती किसी और के साथ है घूमती किसी और के साथ है क्या आपको एक गवारा होगा ये गवारा नहीं हो सकता नहीं मैं इसका अकेला मालिक हूँ अल्लाह बुलानी मिसाल नहीं दे राम सोचिएगा आपको समझा रहा हूँ कि जो आपको ये गवारा नहीं है कि दोबारा बीबी मिल सकती है दोकारा ज़मीन मिल सकती है दुकान मिल सकती है ये गवारा नहीं किसी को पार्टनर बनाए शरीक बनाए हिस्सेदार बनाए तो रब्बल आलमीन तो हकम उल है उसकी ज़ात में उसकी सिफात में पार्टनर बनाओगे तो क्या रबालमीन तुम कबूल करेगा तुम्हें अमन देगा तुम्हें सुकून देगा बत अमनी रहेगी सुकून आएगा ही नहीं इस रू ज़मीन पर जब तक सुन जब तक शिरक रहेगा मैं कहता हूँ कुरान के मुताबिक कह रहा हूँ अमन अमान नहीं आएगा पीस नहीं आ सकती आइए समझते हैं अल्लाह तबारक व ने इस तरीके से अल्लाह तबारक व ताल की धात में अल्लाह तबारक वाल की सफ़ात में अल्लाह तबारक व ताल कीत के लिए तोहीद है ऐसे ही लोगों ने उसकी रबूबीत में भी रब तो माना लेकिन कोई और बनाया मुद्दई मुदई के हाँ याद कर लो भाई मुद्दई मुद्दी तो शिक्क से यह साजबास मुद्द तो और शिक से यह साजबास तरफ कबरों का सजदा दूसरी जानबी नमाज या का नाब या का नस्ती यह दीना सिरातलमस्तकीम यह साजबास्लाह तबारक वाले की रुबूबियत में तूने रुबूबियत कैसे पहचानेंगे दो लफ्ज़ों में जान लीजिए जब भी तर्जुमा हो करने वाला है वाला की जहाँ बात है वो करने वाला है इज़्ज़त देने वाला है जिल्लत देना वगैरह ये सब रुबूबियत में आता है तो जितनी बातें सब के सब उलूहियत में आती हैं तो लोगों ने क्या किया रुबूबियत में शामिल कर दिया कि भाई ठीक है लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी हैं जि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ताकत दे रखा है और वो भी कुछ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कतान नहीं किसी को कोई ताक़त नहीं अगर ताकत होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को होना चाहिए था किसी को नहीं है तो फिर आखिर क्यों ऐसा सवाल होता है कि क्या मुसलमान शिर्क करता है मुशरिक है तो आप जवाब देंगे हाँ यकीन कौन जवाब देगा तौहीद वाला देगा बस उसके अलावा कोई नहीं दे सकता तौहीद वाला जो महीद हो कहेगा कि यकीन बात सही है आज के दौर में वही शिर्क जो कुफार मक्का करते थे अरे और पीछे चले जाओ तो जो नूअला तो इस्लाम के जमाने में जो शिरक हो रहा था वो आ, वो आज भी है आज हो रहा है जिस तरीके से लोग क्या करते थे आज लोग भी कर रहे हैं उनके यहां जैसे जिस दरवाजे से शिरक आया वही नतीजा बना शिरक कैसे आया किस दरवाजे से आया आपके सामने तस्करा करूंगा तो सवाल होता है क्या मुसलमान मुशरक है एक दिमाग दिमाग में एक बात आप अच्छी तरह बैठा लें कि रब्बुल आलमीन ने कहीं ये नहीं कहा है कि शिर्क करने वाला मुसलमान है तो उसे बख्श दिया जाएगा हाँ अगर तो कर लिया माफ करने वाला है ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान शिर्क कर रहा है नमाज पढ़ रहा है तो माफ है ना बिल्कुल नहीं ये गैर ये जो गैर है यह शिर्क करता है तो इसको जहन्नम में हम डालेंगे बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है साफ साफ हमारे रब्बुल आलमीन ने जो अभी शिक्क करेगा उसका अंजाम क्या होगा इन शाह हम आखिरी में कुरान की तमाम आते हैं जो अल्लाह नब्बुआलमी सीके से तस्करा किया है वो आपके सामने हम पढ़ेंगे बात है कि क्या मुसलमान शिक्क करता है जी हाँ मुसलमान शिक्क करता है और हो रहा है हम देख रहे हैं बड़े से कर रहा है और यही नहीं मैं तो कहता हूँ कि कुरान की रोशनी में अगर देखा जाए तो मुश्किन मक्का से बढ़ कर के कलमा गो मुसलमान आज शिक्क करता है वो भी बात आपके सामने बताऊँगा इन श तो सवाल होता है कि किस चोर दरवाजे से शामिल दाखिल हुआ शिरक आया कहाँ से बहुत लम्बी बात है मुख्तसर आप यकी आपके दिल दिमाग में चाहोगा कि बैठ जाए सबसे पहला दरवाज़ा है जिालत इल्म नहीं है कैसे नहीं इल्म है। ये बी ए किया है एम ए किया है बी काम किया है बड़ी बड़ी डिग्रियाँ डिग्रियाँ लिए हुए कैसे कहते हैं हाँ भाई सही है ये दुनियावी इल्म है लेकिन इसको अल्लाह तबारक तआला की मार्फत ही नहीं है अल्लाह की पहचान ही नहीं है अल्लाह को पहचानता ही नहीं है बिल्कुल नहीं कलम तय। तयबा इसको नहीं आता नहीं देख लीजिए आप जो बड़े बड़े पोस्ट बड़े बड़े पोस्ट पर उनको देख लीजिए कि अभी आप हाँ इतना आता है कि एक दिन हमको फला जगह जाना है उसको मुकर्र कर लिया है मस्जिद नहीं रह वहां जाएगा तो इल्म जो होता है कुरान का इल्म इस्लाम का इल्म वो इल्म आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा और यही लामी है जिसकी बुनियाद पर अलैहिस्सलाम तो की कौम भटक गई और हालत ये बनी कि वो लोग क्या से क्या करने लगे आपके सामने बतलाता हूँ तो वाक़ा कि जिसके पास अगर इल्म है तो अल्लाह को पहचान लेगा जिसके पास अगर इल्म नहीं है तो शैतान हर तरीके से इस दरवाजे से वरवाजे से आएगा और भटका देगा वाक़ मशहूर है ना जिसको लोग कहते हैं गौसे आजम और अलहद ला हम लोग उस उनको बहुत मानते हैं क्योंकि उनकी जो किताब है किताबें हैं बहुत अच्छी किताबें हैं तो के बारे में शिक्क़ के बारे में रसालत के बारे में तमाम के बारे में दिखाए अब्दुल्कद जी रमतल रात को नमाज़ पढ़ रहे हैं बात कर रहे हैं मुनाजात में बिल्कुल मशगूल है आवाज़ आती है अय अब्दुल्क जी लानी हम गौ आदम नहीं कहेंगे अय अबर जीलानी अब तो तुम्हारी नमाज कबूल कर ली गई तुमको अल्लाह ने बुलाया है चलो अब वो नमाज से जब फारिग हुए तो कहते हैं शैतान तू मुझे बता रहा है नमाज तो अल्लाह तबारक वाली ने अपने नबी मोहम्मद रसोल्ला सल्लास ने ही माफ़ किया तो इब्लीस तो शैतान आया है यहां से भागता है जाता है दूसरे के पास बड़ा जाहिद है बड़ा इबादत गुजार है रातों को जागता है नमाज पढ़ता है ये भी जान लिए बगैर इम की इबादत भी बेकार है जो चाहे कर रहा है जो चाहे बता दिया गया करता चला जा रहा है कहता है कि देखो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया है तुम ऐसा करो कि तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया है देखो मैं सवारी लेकर के आया हूँ और खूब सजा बजा करके बिल्कुल घोड़े की शक्ल में लाया था और खड़ा था तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उस इल्म नहीं था उस इल्म होता तो मालूम होता नमाज़ तो हर लिखा लिक्या, हर लिहाज से फ़र्ज है और कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जब तक होशवास है बेचारा उसके पास इल्म नहीं था फौन तैयार हो गया और इंसानी शक्ल में सामने आया कहा भाई देखो तुम अपने अपने जो है आँख पे पट्टी बांध लो इसलिए कि जब आसमानी हम सफ़र करेंगे तो तजल्लियात को देख करके तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी इसलिए तुमको चलना है हालत ये बनी कि वो तैयार हो गया पट्टी बांध के उसको बैठाया ले जा करके वहाँ डाल दिया जहाँ लोग कूड़ा कर डाला करते थे कहा तेरा यही हुआ तो ये है लामी का अंजाम ये है लामी का अंजाम लाइल अगर इंसान है तो अल्लाह तबारक व तौर की मार्फ़त नहीं होगी वो पहचान नहीं पाएगा साढ़े नौ सौ साल तक नू असल्लाम तो से ने समझाया आप अंदाज़ा लगाइए कौम ने नहीं माना अल्लाह तबारक ताला ने उनको उठा लिया वो दुनिया से चले गए और हालत ये बनी कि जहाँ बहुत उनको समझाया आप कहते रहे नहीं मानते रहे नबी सामने मौजूद है लेकिन मानने के लता आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी सामने मौजूद है नहीं मानते मक्का वाले भी देखिए आप मोहम्मद रसोल्ला मौजूद है मोजाद वो लोग देख रहे हैं इससे बढ़ करके आप देखिए इससे पहले जो वाकत हुए हैं कि मूसा तो सलाम ले करके चले बुरे इसराइल को दरिया पार कर रहे हैं देखा दरिया में हमारे लिए अल्लाह रब्बुल रबालमी ने रास्ते बना दिए लेकिन जब बाहर निकलते हैं देखा एक कौम जो है बुतप्रस्त है कहते हैं कि अय मूसा हमारे लिए भी एक चुम तो ऐसा कैसा कर दो अफसोस की बात है मूसा तो सलाम कितने बड़े नबी लेकिन कहते हैं देखो अभी तुमने देखा मूसा तो हालत देखिए अगर हम और आप समझाते हैं उनको तो लोग कहते हैं ठीक है लेकिन हम जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है आइए देखते हैं दरवाज़ा से खानस बिन नब्बा रज़ी अल्लाह तो कहते हैं क्या कहते हैं कानी आदमू अशर कर कल्मा कोल्हुमल तो दस सदियां गुजर गई आदम और अलैहि सलाम के बीच में यहाँ तक कि दस सदियां तक कुल्लोमल तो हुई, सब के सब तो हुई पर थे और सब के सब जो इस्लाम पर थे बुखारी की रवायत फोर बुखारी के रवायत थे फोर नाइन टू जीरो में देखी हुए सब के सब तो हुई पर थे शिर्क से दूर थे आगे फरमाया अबल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो कलू लोगों ने कहा क्या कहा जब दस सदियां गुजर गई ला तदुरुन्ना तदुरुन्ना आलिहतकुम वला वला सुआ तदरन्ना आम व्ना वहाूका अब तो हालत ये बनी कि देखो जब से जब दस जी गुजर गई इब्लिस आया और कहा कि देखो भाई तुम में लोग गुज़र गए हैं तुम लोगों को बड़े अफ़सोस की बात है तुम लोग अफसोस में हो इसको पढ़ना हो पढ़ो अबू हसन नदबी की किताब बहुत कसूल जो है अरबिया कसूल जो है अरबिया है वो बहुत अच्छी किताब है तो लेकिन अरबी में है तो बताया कि नू अ तो की कौम में कैसे अब चोर दरवाजे से दाखिल हो रहा है चोर दरवाजे से शिरक आ गया है और उसने क्या कहा आगे है जो इबारत लंबी इबारात है तर्जुमा यह है कि इनमें कौम नू में जो साल ही लोग गुजर गए अच्छे लोग गुजर गए तिवलीस ने देखा बड़ा इन लोगों को गम है और वो आया कहने लगा कि देखो ऐसा है तुम्हारे गमों को दूर करने के लिए मैं एक जो है रास्ता जानता हूँ कहाँ क्या रास्ता जानता हूँ कहाँ कि जहाँ लोग बैठे तो हाँ वहाँ तुम पत्थर लगाओ और वो उस पत्थर को उस पत्थर के जो है उन्होंने नाम दो जो इनका नाम था तो करने लगे यहाँ तक कि चलता रहा और आगे यहाँ ये ये पूरी की पूरी यूँ ही चलते रहे अभी तक अल्लाह तबारक व तौ के अलावा गैरों की बात नहीं कर तो इतना ही था लेकिन जब ये नसल गुजर गई दूसरी नस्ल आई तो अल्लाह तबारक व ताल छोड़ कर अब सालहन के ज़रिया नेक लोगों के जरिया वो लोग अल्लाह तबारक व तै के अलावा भी रस्ते ढूँढने लगे और ढूँढ लिया इबली से बड़ा खुश हुआ और हालत बनी पंजतन कर दिया पंजतन आज का नहीं है पंजतन बहुत दिन के है वाह क्या था वही पंचतन कौन कौन था वद था सिवा था यगूस था यऊक था नस्ल था कहा इनको हम नहीं छोड़ेंगे और आज भी मुसलमानों में है देखा जाए तो हम गहनों की बात नहीं करेंगे कहेंगे भाई ठीक है आप जो कहते सब ठीक है लेकिन हम जो है इनको कैसे छोड़ सकते हैं बिल्कुल हम छोड़ सकते है, नहीं हैं उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह बता रहा हूँ उनकी गुटियों में इनकी मोहब्बत बस गई है कुरान ने खुद कहा उमिन काबिल्ला और उनबूदों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करना चाहिए बल्कि उससे ज़्यादा ही वो लोग करते हैं मुझको जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं और आज का मुसलमान सही है कितना समझाओ सब कुछ समझाओ लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है मानता कब जब परेशान होता है तब भी नबी नहीं मानता आइए देखते हैं कि आज का मुसलमान जो शिरक कर रहा है जिसके बाद शिरक आया है और उस वक्त के अहले मक्का जाने दीजिए मुश्किन मक्का में कितना फ़र्क है और अब अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग कहाँ पहुंच तक हमारी कौम कहाँ तक पहुँच चुकी है क्या कामयाबी के कुछ निशाना नजर आ रहे हैं क्या कामयाबी की कुछ राश नजर आ रहा है बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं कैसे जब वो मुसीबत में फंसते थे तो अल्लाह को पुकारते थे अल्लाह तबारक व तौ से गरीबी मदद मांगा करते थे जब वो जहाँ पर फंसे अल्लाह तबारक व तला को पुकारा आइए देखो बहुत ही मशहूर वाक़ अल्लाह रबुलमी ने इक्रमाबीन नबी जहल की जो, जो जिसके जो आए तल्लुक रखती है फैदा रकू फिर फुल के दाला फलम्जाबर हालत यह है कि जब वो फंस जाते हैं समंदर में जा रहे हैं अब कोई पार लगाने वाला नहीं और यहाँ तो यह है कि पीर साहब आगे फ़ौर कंधे को लगाया कितने दिनों से कश्ती भंवर में फंसी थी निकाल दिया हालत ये बनी और यहाँ पर क्या उन्होंने देखा फते मक्का के बाद भाग जा रहे थे क्यों भाग रहे थे कि हमको इस्लाम कबूल नहीं करना है बिल्कुल हमसे दूर रहना है अगर हम गए तो फिर मार दिए जाएंगे कहते हैं कि जब हम देखें कि तमाम के तमाम लोग जब मुसीबत में फंसते हैं इस समुंदर के अंदर तो कहते हैं अल्लाह को पुकारते हैं अल्लाह नजात को देता है लेकिन जब ये खुशकी पर जाते हैं तो फिर अपने देवताओं को मानने लगते हैं उन्होंने ऐद कर लिया और क्या कहा अल्लाह हम तुसे पैमान करते हैं अगर यहाँ से तू ने दे दिया तो ठीक हम जा करके मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसम का लाया हुआ दिन कबूल करने लेंगे इतना ही उनका वाकया है तो किसी क्या मालूम हुआ कि आज अगर मुसीबत में हम पस्ते हैं तो किसी को फलाल मदद फलाल मदद कहा करते हैं ये क्या हुआ इसलिए हुआ कि चोट दरवाजे से सालहीन के जरिए दाखिल हुआ कि नेक लोग हैं अच्छे लोग हैं लेकिन नहीं याद रखो अगर हमारे और आपके दरमियान मौजूद है मदद कर सकते हैं लेकिन अगर वो दुनिया से चले गए, गए तो हमारी आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसलिए मांगो तो अल्लाह तबारक व तौर से मांगो वही देने वाला है उसके अलावा कोई देने वाला नहीं क्योंकि तमाम नबियों ने और तमाम साल ने अल्लाह तबारक व ताली से मांगा आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने किससे मांगा अल्लाह तबारक व ताली से मांगा और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तौर से मांगा इसी तरीके अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तौर से मांगा नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तौर से मांगा याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा और यही नहीं बतला हम तमाम मोमिनों के लिए मिसाल है कि उसके हाथ में कील कील है, है, पैर में भी कील है, एक छोटी सी जान है औरत है सामने सुपर पावर बिल्कुल है सब कुछ उसके लिए है, आराम के, लिए, के लिए क्या चीजें नहीं है, है, है मां बहनों के लिए कि अगर हाथ में कील है पाओं में कील गड़ी हुई है कहता है कि आ जा तुम उसको अपना रब नहीं मानती कहा नहीं तुमको रब नहीं मानती कहा मैं नहीं कहते हूँ रब नहीं है रब है लेकिन मैं सबसे बड़ा हो, कुल रहा है। इसे क्या निकला रब तो है लेकिन मुझसे बड़ा रब नहीं है कौन है आप कहेंगे फिर है। सामने आसिया पहाड़ जैसी दीवार जब देखती है तो किसको बुलाती है मुसलमानों कुरान को पढ़ो कुरान को समझो और मौलवियों से कहो कुरान समझाए कि मुर्दे कुछ भी नहीं कर सकते जो करवट बदलना नहीं जानते हैं उन्हें आप मुश्किल गुस्सा मानते हैं ये क्या है तो कुछ भी नहीं कर सकते तो सारे ही नेक लोगों के जरिया से आया और नेक लोग जो थे बेचारे दुनिया से चले गए थे अब मालूम हुआ कि आसिया मागर रही अल्लाह तबारक व ताली से पारा नंबर अट्ठाए सूर्य तहरी में जब खोलेंगे तो अल्लाह रबालमी ने क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए मिसाल बना दिया और वहाँ मुसलमान खास करके मुखातिब किया थोड़ी सी अगर मुश्किल अगर आ जाती है तो आज कल हमारी माँ बहने के चली जाती है दो साल लड़का नहीं पैदा नहीं बच्चे नहीं हो रहे हैं तो शौहर शा, कोसता है कोसता है उसको देखो फला तुम्हारे साथ शादी हुई उसको बच्चा हुआ फला के होगा फला हो गया तुमको क्यों नहीं हो रहा है नउजाल देने वाला अल्लाह की जात है सब कुछ देने वाला अल्लाह की जात है तुम मागो उसे अल्लाह से जो देता है बार बार और क्या अल्लाह के नी फरमाते हैं मलम यसल्लाई कौन है दुनिया कैसा मालदार एक बार मागो दो बार मांगो तीसरी बार मांगोगे तो तुमको भगा देगा क्या तुम्हारी आदत बन गई है कि अल्लाह तबारक को तैयार के बारे में अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी मोहम्मद ने फरमाया नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है अल्लाह से मांग रही है आयत करीमा क्या है वह रब्सन आमन इत रबिली अल्लाह जन्नत में तो जाऊंगी ठीक है नहीं नहीं मैं जन्नत में बेचन फिर जलते अल्लाह तेरे पास अब मैं अपना घर चाहती हूँ रब्बुलमी ने उसको अल्फाज में ढाल दिया और क्यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान मर्दों औरतों के लिए जो भी कुरान पर ईमा रखते हैं पारा नंबर अट्ठाईस सूर्य तारीफ पर देख रहे मालूम होगा जब मुसीबत आई तो फुल किसी और को नहीं बुलाया आदम से लेकर के बहुत से नबी गुजरे हुए थे जो कब्रों में बहुत गए थे किसी से नहीं मांगा मांगा तो अल्लाह तबारक वाले से मांगा मेरी माँ बहनों के लिए बहुत बड़ा सबक है और तमाम नौजवानों के लिए खास करके मुसलमानों के अल्लाह ने कहा वबाजी नाम ईमान वालों के लिए हमने मिसाल बना दिया है क्या कहा उसने अल्लाह इस ालिम बादशाह से इसके जुल्म से इसकी कौम जो मानने वाली है मुझे नजात दे दे औरल्लाबीन ने नजात दिया मागो तो उससे मांगो इससे याकूबल सलातम ये बब्ज़त आयना हो यहाँ तक कि पूरी की पूरी आँख सफेद हो गई है लेकिन क्या कहते हैं इनम आशकू बसी वह किसी और से नहीं कर रहा अपनी सारी शिकायत मैं तुझसे करता हूँ बस तेरे अलावा किसी से नहीं और आखिरी बात मानो तो मांगो तो उससे मांगो जिससे मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम ने मांगा उठा करके देखो तारीख को उठा करके देखो आप सरत को मालूम होगा कि आप जब पश्चिम की तरफ चादर ओढ़े हुए थे और आपके ऊपर चादर थी उमर रजी अल्लाह ताली देख रहे हैं कि आप इस कदर रोए आप किस कदर रोए कि वहाँ की वो जो वहाँ की बालू वहां की रेत तर हो गई और आपकी चादर गिर गई हालत तो यह बनी कि आप बिल्कुल मशगूल है क्या करें अल्लाह अगर छोटी सी जम, जमात ये आज तोहिद वालों की जमात ये महदियों की जमात ये तीन सौ तेरह मुसलमान अगर आज तबाह बर्बाद कर दिए गए इस रुए ज़मीन पर क्यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा इन शेता जो तू क्या करे रबीन ने खुशखबरी दे दी और यही नहीं दो लफ्जों में कह दू कि जो लोग शामिल थे उनके बारे में क्या अल्लाह रबालमीन फरमा इतला अल्लाह रबालमीन ने हजरत चल्पातः इतला बद्रिन अल्लाह तबारा कोताल अहल बदल की झाक कर अल्लाह तबारक वाले अहिल बदल की तरफ झाँकता कहता है ए मलूम आशे तुम अब जो भी चाहो तुम अमल करो तुम्हारी कोई तुम्हारी कोई भी गलती पकड़ी नहीं जाएगी तुम्हारी सब माफ़ी है गौबरा लाओ हमने तुमको माफ़ कर दिया गफर तो लग हमने तुमको माफ़ कर दिया तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या वो इंसान नहीं थे क्या बाद में गलतियाँ नहीं हुई लेकिन अब ऊदाऊद में जब आप उठा कर देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है अल्लाह तबारक वाली को अच्छी तरह मालूम था ये लोग सुन्नत पर थे सुन्नत पर हैं और आखिरी दम तक सुन्नत पर चलने वाले तो ही चलने वाले हैं ये मालूम था अल्लाह तबारक को इसलिए ऐसे अल्लाह तबारक वाली ने कहा यूँ ही नहीं कह दिया आइए आपका टाइम ज्यादा हो रहा है लेकिन पाँच मिनट आप कर लूँगा आना लेते हैं अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया मांगो तो किससे हमसे से मांगो कि हालत भी क्या बनी है कि आज हम घरों को मांग रहे हैं सालहीन के ज़रिया घरों के ज़रिया तो हालत क्या बनेगी आप देखिए बता दूँ आपको चंद लफ्ज़ों में अल्लाह रब्लमी ने इसका तस्करा किया है और हम आपका सामने आज दुनिया अमन की मतलाशी है अमन की तलाश में है और कुरान जो कह रहा है वो बता रहा हूँ पारा नंबर अट्ठारह सूर नूर आयत नंबर पचपन उठाकर देख लीजिए हम आयत करीमा पढ़ते हैं और तर्जुमा कर देते हैं तो मालूम हो जाएगा अमन आएगा कि नहीं आएगा मुसलमान सताया जाएगा सताया जाएगा कब तक सताया जाएगा इसको फसला कुरान की आयत वहाद अल्लाहन आम नमन सालिहात अल्लाह रब्लम ने वादा कि अहले ईमान से और ईमान लाने के बाद यू ही नहीं घूमते रहो जो नेक अमाल करने वाले हैं क्या मिनकुम लयस तखलिफन न हो उनको इसी रुए ज़मीन पर हम हुकूमत देंगे हिम जैसे हमने इनसे पहले हुकूमत दी तजा और इनके दीन से हम राजी हो गए हैं और इनके दीन को हम जमा देंगे वलुबाद खोफिम अमना और इनकी जिनका जो, जो खौफ है जो इनका डर है इस डर को हम अमन से बदल देंगे लेकिन शर्त है वह शर्त क्या है कुरान की सात करीमा को ले जाओ आखिरी में आप याद करके जाइए कि क्या यकीन ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा अमन नहीं आ सकता सुकून नहीं आ सकता क्या है यू याबदून वाला युषु नबी शैयाबू ननी सिर्फ मेरी इबादत करो मेरे साथ किसी को शरीक मत करो वरना इस सुर जमीन पर तुम्हारा को तुमको कोई पीस देने वाला नहीं होगा तुमको कोई सुकून देने वाला नहीं होगा तुमको कोई अमन नहीं होगा मेरी ज़ात है जब कुर्सी से उतार दूंगा और जब चाहूंगा कुर्सी पर बैठा दूंगा लेकिन शर्त क्या है ये बातिल से दबने वाले अ आसमान तोहहीद की अमानस सीनों में है हमारे आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा वो तो वाले थे शिकाने वाले नहीं थे अकी अल्लाह अल्लाह करके उठे और जितना हमने पार किया हाथ में लेकर तो शहमा चट्टानों को दिया वो वाले थे वो शिर करने वाले नहीं थे कि अफसोस की बात है कि आज कितनी तरीके से शिर हो रहा है अगर आप कहें तो दो जो है, मिनट के अंदर बयान कर दूं कि शिर्क करने वाला मुसलमान से क्या कहता है एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं एक ही दरगाह पर सर आप भी रखते नहीं अपना सिद्धागा देवी के अगर स्थान है आपके सद्दों का मरकज भी है अपने देवता की गिनती अगर हम रखते नहीं आप भी मुश्किल कुशाओं को भी गिन सकते नहीं जितने कंकर उतने शंकर ये अगर मशहूर है जितने मुर्दे उतने से दे ये आपका दस्तूर है अपनी भी देवी देवता को है अगर कुछ इख्तियार आपके वलियों की ताकत का नहीं है, है शुमार वक्त मुश्किल वक्त मुश्किल अपना नारा बजरंग बजरंग दली आपको देखा लगाते खुद नारे हैदरी भेजा है प्रभेष्टा भेजता है प्रभु अपना देवता हर देश में आपने समझा खुदा को मुस्तफ़ा के भेष में मंदिरों में भी बजाते हैं अगर हम तालियां तुरबतों पर आपको देखा बजाते तालियां घंटियां हम तुरबतों पर आपको देखा बजाते तालियां हम भजन करते हैं गाकर देवता की खूबियाँ आप भी गाते हैं कब्रों पर यूं ही कौालियाँ हम चढ़ाते हैं बुतों को दूध और पानी की धार आपको देखा चढ़ाते मुर्ग मुर्ग ज्यादा शानदार हमको याद आता है जब जंग आज़ादी में अब ये आज़ाद हो गया तो नेहरू को बहुत फिक्र लहे हुई कि आखिर मुसलमान यहाँ है पर हैं गैर भी हैं तो दोनों कैसे रहेंगे लेकिन जब जाए गए वहाँ पर क्योंकि क्यों होता है ना भाई जब कोई बड़ा बनता है तो कहाँ जाता है वहाँ चाहे चढ़ाने के लिए गया और देखा कहा कि नहीं है मुश्किल नहीं है बिल्कुल मुश्किल नहीं है हमारे यहाँ नारियल फोड़ते हैं इनके यहाँ सर फोड़ते हैं बस इतना ही बरकर रह गया है कोई मुश्किल नहीं है साफ अगर क्या अब बात सही हालत ये बनी आइए देखते हैं आपको देखा चढ़ाते मुर्ग शायद ज़्यादा शानदार बुद्ध की पूजा हम करें हमको मिले नारे सकर ये कैसे बुद्ध की पूजा हम करें हमको मिले नारे सक्र आप कब्रों पर झुके आपको मिले जन्नत में घर आप मुश्क हम ये बात बा अगर साफ़ है जन्नति तुम दुर् रखी हम ये कौन सा इंसाफ़ है हम जन्नत में होंगे आप अगर अगर होंगे जन्नती वरना दोजख में रहेंगे हसात हमारे आप भी ये एक मुशिक ने कहा एक शिक करने वाले के गोया कहना है लिखे वाले किसी वाले ने लिखा है कि यकीन आज जो हमने कहा शुरू की शुरू किया है यादी फलो फीसल में काफ़ा वाला तबी खतवा इन नकम भी कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ जहाँ भी बात है तोहहीद की तोद को पकड़े रहो शिक्क को गले न मत लगाओ वरना मुसलमानों याद रखो तुम्हारे ज़ख्म पर कोई मरहम लगने रखने वाला नहीं होगा तुम्हारी आवाज़ पर कोई लब्बा कहने वाला नहीं होगा जब तक मुसलमान तौहीद पर थे आपको मालूम होगा मक्का की मदीना की सरजमीन से निकले हैं तो जहाँ गए कामयाब हुए लेकिन जब आहिस्ा आहिस्ा इस उम्मत में शिर्क आया तो परेशानी आई हालत ये बनी कि आज हमारी जो हालत है आप देख रहे हैं खुद अल्लाह का नाम लेते हुए कहीं हम लोग डरते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौहीद पर जिंदा रखे तौहीद तोहिर खा मत अल्लाह अगर जो कुछ भूल चूक अल्लाह सपा फ़रमाए अल्लाह में जो मरीज़ हैं मरीज हैं शिफा कामला कुल्ली अदा फ़रमा अल्लाह हम सब के वालन को मरपता फ़रमा दे आलमीन जहन्नम के अदाब से बचा ले आलमीन हम सब का जो तो फिजाउस में अदा फ़रमा दे आमीन व नबी अलहमद बादा أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى وأولى بأسه هم